Good morning, students. Today we will start exercise 7.3 of chapter 7 fractions. So, हमारी exercise 7.3 का first question है, write the fraction, are all these fractions equivalent? Question first में हमें कुछ figures दिए हैं A और D में. सबसे पहले हम उन figures को देखेंगे और उनके fractions लिखेंगे. ठीक है, fractions लिखने के बाद जब A में जो figures दिए हैं उनके हम fractions लिख देंगे तो हमें बताना है कि जो fractions हमारे आए हैं फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं. ठीक है, तो इसका ए देखते हैं. देखो ए में हमें फिगर्स दिए हैं, उसमें कुछ पार्ट हमारे शेडेड है. फर्स्ट का अगर हम देखें तो फर्स्ट में कितना पार्ट शेडेड है, एक पार्ट शेडेड है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, टू है. तो इसका फ्रैक्शन क्या लिखा जाएगा, 1/2. उसी तरह से सेकंड फिगर देखें ए का, तो उसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4 पार्ट है जिसमें से दो पार्ट शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/4. थर्ड देखेंगे तो थर्ड में हमारे पास टोटल कितने पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसमें से 3 पार्ट जो है वो शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन होगा 3/6. उसी तरह से ए का जो लास्ट फिगर है उसमें देखेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे पास 8 है, इसमें जिसमें से जो 4 पार्ट्स हैं वो हमारे शेडेड है. तो ये हो गए हमारे पास फ्रैक्शन. फर्स्ट का है 1/2, सेकेंड का है 2/4, थर्ड का है 3/6 एंड फोर्थ का है 4/8. हमने फ्रैक्शन लिख लिए, अब हमें बताने हैं कि जो ये फ्रैक्शंस आए हैं सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं या नहीं. तो इक्विवेलेंट होंगे तो सारे फ्रैक्शंस इक्वल होंगे. तो जैसे फर्स्ट का आया है 1/2, सेकंड का आया है 2/4, 3/6 और 4/8. ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं कैसे चेक करेंगे, देखो 1/2 को हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, 2/4 को हम और रिड्यूस कर सकते हैं. 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, क्या आ गया इसका 1/2. उसी तरह से 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 1 3 और 3 2 6. उसी तरह से 4/8 जो है उसको क्या लिख सकते हैं, 4 1 4, 4 2 8. जब हमने इनको रिड्यूस करा तो हमारे पास क्या आया फ्रैक्शन, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. तो इसका मतलब जितने भी फ्रैक्शन हमें गिवन है वो सारे के सारे क्या है, हमारे पास इक्विवेलेंट है. ठीक है, हमारे पास सबका वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2 जब हमने इन फ्रैक्शन को रिड्यूस किया. तो हैंस ऑल द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट. इसका बी पार्ट फिर से ट्राई करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसे. Now let's come to the question number third. देखो third क्या है? Replace box given है in each of the following by the correct number. Question third को अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें जो values given है उसमें एक box में given है, उस box में correct number हमें fill करना है कि इस box में क्या correct number आएगा. तो कैसे find out करें कि इस box में क्या correct number आएगा, उसको कैसे fill करेंगे? देखो या तो आप क्या करो इनको cross multiply कर दो, या तो आप क्या करो इनको cross multiply कर दो. मैं आपको दो मेथड बता रही हूँ जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड क्या है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस बॉक्स से, तो क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल्स टू 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से. हमको तो बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बॉक्स को तो हम यहाँ पर रखेंगे 8 × 7 और ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इसको भेज देंगे डिवाइड में भेज देंगे. फिर इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 8 कैंसिल हो सकता है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और 4 7 से कितना होता है 28. तो इस बॉक्स में कितना आ जाएगा 28. यहाँ पर बॉक्स में कितना फिल हो जाएगा हमारा 28. दूसरा मेथड क्या है, देखो चेक करो हमें क्या गिवन है, हमें न्यूमरेटर वाले जो नंबर है वो गिवन है. अगर हम चेक करें कि 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, तो 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, 2 4 8. तो आपने जो चीज मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में की है वही आपको डिनोमिनेटर में करनी होगी. ठीक है, तो 2 4 8 होता है, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 4 28, तब भी हमारे पास बॉक्स में क्या आएगा 28. तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लें, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप चेक कर लें कि हमारे पास न्यूमरेटर्स गिवन थे दोनों साइड्स के, तो हमें चेक कर लिया कि 2 × 8 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है, तो 2 4 से क्या हो गया 8. अब इस पे 4 से मल्टीप्लाई करा है तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 7 4 से कितना आएगा 28. इस बार अगर हम देखें तो हमें दोनों साइड के डिनोमिनेटर गिवन है, न्यूमरेटर सिर्फ एक ही गिवन है, तो हम डिनोमिनेटर का
यूज करेंगे। देखो 5 मिनट में 20 कितने टाइम्स आ सकता है, 4 टाइम्स, तो 5 4 जा 20 होता है। तो यहां पर अगर 4 से मल्टीप्लाई कराए तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 4 जा कितना होता है 12। तो इस बॉक्स में क्या आएगा हमारे पास 12। उसके बाद जो बी और ई पार्ट है वो उससे ट्राई करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Find the equivalent fraction of 3 divided 5 having a given है denominator 20। हमें equivalent fraction find करने हैं 3 divided 5 के। First हमें जो case given है उसमें क्या given है कि जिसका denominator पहले case में क्या दे रखा है 20 दे रखा है। ठीक है, हमारे पास जो fraction है वो क्या है 3 divided 5। हमें क्या given है, हमें denominator given है। तो हमें denominator given है, numerator हमको पता नहीं है। तो हमें numerator find out करना है। तो numerator कैसे find out करेंगे, देखो अभी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में करके आए वही काम यहाँ पर करना है। 5 टेबल में 20 कितने टाइम्स आ सकता है, 4 टाइम्स आ सकता है, तो 5 4 का 20 हो गया। उसी तरह से 3 के टेबल को 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, क्योंकि नीचे हमने देखा कि 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 4 का कितना होता है 12, कितना होता है 12। तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 12 डिवाइडेड 20। क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड 20। तो हम क्या कहेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 12 डिवाइडेड 20। उसी तरह से चेक करते हैं बी, हमने दे रखा है जब हमारे पास न्यूमरेटर है 9। न्यूमरेटर क्या दे रखा है 9 दे रखा है। तो न्यूमरेटर 9 है, फ्रैक्शन हमें गिवन है 3 डिवाइडेड 5। इस बार हमें न्यूमरेटर गिवन है 9, डिनोमिनेटर हमको नहीं पता। तो 3 की जगह 9 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स आता है, तो उसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 5 से कितना होता है 15। तो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ गया, हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गया 9 डिवाइडेड 15। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36 डिवाइडेड 48 विद न्यूमरेटर 9 एंड डिनोमिनेटर 4। अगेन वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने, इस बार फाइंड करने 36 डिवाइडेड 48 के। फर्स्ट ए में बोला जिसका न्यूमरेटर क्या है 9 है, जिसका न्यूमरेटर हमें गिवन है 9। ठीक है, तो डिनोमिनेटर पता लगा लेंगे। डिनोमिनेटर कैसे पता लगाएंगे, देखो अब ऐसे चेक नहीं करेंगे कि 36 के टेबल में 9 कैसे आया, कितनी बार आएगा। अब चेक करेंगे कि 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है, जब 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। जब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आ जाता है हमारे पास 36 आ जाता है। उसी तरह से हम देखेंगे कि हम किस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमको यहाँ पर अल्टीमेटली 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम किस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास यहाँ का डिनोमिनेटर आ जाए, तो क्या आ जाएगा 12। देखो 12 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। या तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि वो इससे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है कि हमारे पास ये वैल्यू कैसे आई, तो दूसरा मेथड क्या है, देखो हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास गिवन है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर हमारे पास गिवन नहीं है। हमें फ्रैक्शन दे रखा है 36 डिवाइडेड 48, जिससे हमारे पास न्यूमरेटर दे रखा है, न्यूमरेटर क्या दे रखा है हमारे पास 9, डिनोमिनेटर हमको पता नहीं है। ठीक है, हमको डिनोमिनेटर पता लगाना है, तो डिनोमिनेटर पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा बॉक्स से और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 से, वो बॉक्स की लाइन हुआ। अब देखो इस बॉक्स को लेके छोड़ के 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, डिवाइड में इसको भेज देंगे 36 को भेज देंगे, कैसा आया 36, तो हमारे पास डिवाइड में आ गया 36। 9 से काटेंगे 36 को, कितने टाइम जाएगा 9 4 जा 36, फिर 48 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इस बॉक्स में हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ गया 12। क्या आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर 12 आ गया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया 9 डिवाइडेड 12। ठीक है, उसी तरह से हम डिनोमिनेटर के साथ कर सकते हैं। देखो बी, हमें फ्रैक्शन का गिवन है 36 डिवाइडेड 48 गिवन है, इस बार हमें डिनोमिनेटर दे रखा है 4 और हमें न्यूमरेटर पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और ये बॉक्स जो होगा 48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 36 मल्टीप्लाई 4, अब इस 48 को डिवाइड में भेजेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना यहाँ पर आ जाएगा बॉक्स, इस बॉक्स का वैल्यू फाइंड करें जो कि हमारा न्यूमरेटर है, डिवाइड कर दो 4 से कितने टाइम जाएगा 4 1 4 4 2 8, 12 के टाइम 36 कितने टाइम जा रहा है 12 के टाइम 36 आता है 3 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, न्यूमरेटर कितना आ गया 3 आ गया। तो हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड 4 जो है हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। अगर मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास 30 आ जाएगा, मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास
डी और सी के लिए चेक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें कुछ फ्रैक्शन के मैंने इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, देखो हम फ्रैक्शंस को तब तक रिड्यूस करते हैं जब तक वो नंबर हमारे पास को प्राइम नहीं आ जाए। कैसे नहीं आ जाए, को प्राइम आ जाए। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर बचता है, जिनका सिर्फ हाईएस्ट फैक्टर बचता है सिर्फ 1। तो हम नंबर्स को तब तक रिड्यूस करेंगे जब तक उनका हाईएस्ट फैक्टर सिर्फ 1 नहीं आ जाता। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन गिवन है 40 / 60। 40 / 60 को सॉल्व करते हैं तो 40 / 60 को देखो, 40 / 60 किसमें आ सकता है, 12 में आ सकता है। कितने टाइम आ सकता है, 12 × 48 and 12 × 5 = 60। अब 4 और 5 और ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकते तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 4 / 5। उसी तरह से देखो बी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 15 को डिवाइड करना है 6 से तो उसको रिड्यूस करना है, 15 / 6 हमारे पास फैक्टर दे रखा है। देखो 15 और 6 किसके टेबल में आ सकता है, 3 की 3 5 = 15 and 3 2 = 6। तो हमारे पास क्या आ गया, रिड्यूस फॉर्म 5 / 2। उसी तरह से सी है, उसी तरह से डी, उसी तरह से ई है। तो सी डी ई जो पार्ट है आप उससे ट्राई करेंगे और उन फ्रैक्शंस को रिड्यूस करेंगे। तो ये था हमारा।